Hello, I'm Dr. Anshu Pandey, and today I'm going to tell you about body language and its importance in your communication. आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ टिप्स दूंगी जिसे यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन को और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. वैसे तो बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन कभी कभी ये वर्बल कम्युनिकेशन से भी अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या टिप्स ऐसे हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपने कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. टिप नंबर 1, जेस्चर एंड पोस्चर. जेस्चर एंड पोस्चर का क्या मतलब होता है? पोस्चर का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपनी बात कर रहे होते हैं या कुछ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में या बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं या कहीं स्टेज पर जाकर अपनी बातें रख रहे होते हैं, तो आप अपने बॉडी को किस तरीके से रखिए. सबसे पहले पोस्चर का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी के पोस्चर को बिल्कुल फिट रखिए, स्ट्रेट रखिए अपने पूरे शरीर को और अपने शोल्डर को फिट रखिए, सही से रखिए, जिससे आपके कम्युनिकेशन में ये हेल्प कर सके. आप अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए. आपने कहावत सुनी होगी, एन ओल्ड सेइंग दैट Hold your head high. It is a sign of self-confidence, respect and honor. जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे पुराने लोग कहते थे कि अपना सिर ऊँचे रख के चलना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ बात कर रहे हों या किसी भी तरीके कम्युनिकेशन कर रहे हों या कहीं भी कम्युनिकेशन कर रहे हों, अपना सिर हमेशा स्ट्रेट और ऊँचा रखिए. और आप जेस्चर के बारे में क्या कर सकते हैं कि जेस्चर का मतलब होता है movement of your hands, legs, of your facial expression, of your body movement. Gesture का मतलब ये होता है कि जब भी आप communicate करें, कुछ भी बात करें, आप उसे कैसे attractive बना सकते हैं. Example के तौर पर अगर हम लें तो आप जब भी अपनी किसी भी बात को रखते हैं तो आपके hands उसमें support दें. आपके hands क्या करते हैं, जब आप hands के साथ अपनी बातों को रखते हैं तो ये आपकी बातों को और अच्छी तरह समझाने में हेल्प करते हैं. एक बात का ध्यान रखिए, अवॉइड क्रॉसिंग हैंड्स एंड क्रॉसिंग लेग्स. जब भी आप कुछ बात करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, अगर हाथ ऐसे रख के करते हैं तो सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट नहीं समझेगा, लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप अंदर से कुछ घबराहट महसूस कर रहे हैं, आप इजी नहीं हैं. उसी तरीके से आप जब अपने लेग क्रॉस करके बात करते हैं तो भी ये अच्छा साइन नहीं है. जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए, यू मे एंटर विद एन इरेक्ट पॉइज्ड एंड ब्रिस्क वॉकिंग. जब भी आप स्टेज पर आपका नाम बुलाया जाता है तो कोशिश करिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने की, ना तो बहुत तेज चल के जाइए ना तो बहुत धीमे चल के जाइए. आपके चाल को देखकर लोग आपकी इंडिविजुअलिटी का पता लगा लेते हैं, तो आपकी चाल बहुत कुछ आपके बारे में बताती है. जब भी आप बात करते हैं तो कभी भी बात करते वक्त अपने बाल को खुजाना, अपने मत्थे पर हाथ रखना या एक ही तरीके से हाथ रखना, बैठना या हाथ बांध के बैठना बात करते वक्त बिल्कुल मत करिए. आप हमेशा अपने हैंड्स का यूज़ करिए अपने बातों को रखने में, स्पेशल बनाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में हाथ आपका बहुत सहयोग देते हैं. नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट. कभी कभी आपने सुना होगा कि जो बातें शब्द नहीं कह पाते वो आंखें कह जाती हैं, तो आई कॉन्टैक्ट का रोल भी कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छी बात करने के लिए आपको सामने वाले की आँख में देख कर बात करना होगा. कभी भी बात करते वक्त अपनी आँखें झुका कर या उठाकर नहीं बात करिए, ना तो बहुत घूर के बात करिए ना तो आंखें झुकाकर बात करिए. आंखें झुका के बात करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप या तो शाई नेचर के हैं या आप अपनी आंखें चुरा रहे हैं. और जब भी आप अपनी बातें सामने वाले के सामने रखेंगे वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी. आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये है, जब भी आप किसी ग्रुप में बात करते हैं, किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, सपोज दैट कि आपकी ऑडियंस कम है, लोग सुनने वाले कम हैं, तो आप
सभी व्यक्तियों की आंखों में देखकर, अपने सारे ऑडियंस की आंखों में देखकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑडियंस बहुत बड़ी है तो आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आप बीच बीच में ऑडियंस के किसी किसी बीच को, किसी किसी व्यक्ति को देखकर बातें कर सकते हैं। इससे भी आपका आई कॉन्टेक्ट बराबर बना रहेगा। वॉइस, थर्ड नंबर की टिप है वॉइस। वॉइस कैसे रखिए? जब भी आप बात करते हैं तो बहुत स्पीकिंग टू फास्ट, कभी भी बहुत तेजी जल्दीबाजी में बात मत करिए, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में बात करते हैं, बहुत तेजी तेजी बात करते हैं, तो सामने वाला आपकी बातों को नहीं समझ पाता। सबका दिमाग ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट बात करने वाले को वो जल्दी समझ सके, तो कभी बहुत जल्दी जल्दी मत बात करिए। बात को बहुत ध्यान से रखिए और अपनी बातों को बहुत ही पोलाइट वे में बात करने की आदत डालिए। दूसरी चीज, जब आप बात बहुत स्लो करते हैं, बहुत आप बातचीत को धीमे धीमे करते हैं, तो सामने वाला बोर हो जाता है और आपकी बातें इंटरेस्टेड नहीं रह जाती, तो वो आपकी बातें सुनने में अवॉइड करता है और आपकी बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुनता। तीसरी चीज, पॉज आती है। जब भी आप बात करें, बीच में पॉज लेते रहें जहाँ ज़रूरत हो। ऐसे नहीं कि आप लगातार कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और बात के बीच में पॉज नहीं दे रहे हैं। बात करने के लिए आपको वॉल्यूम की भी जानने की ज़रूरत होगी कि जब आप वॉइस में वॉल्यूम का स्लो और फास्ट रखने की स्थिति को समझेंगे कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर आप बात बहुत सिंपल सी कर रहे हैं या ट्रेजिक बात कर रहे हैं, तो अपने वॉल्यूम का पिच लो रखिए। और जब आप बात बहुत एक्साइटेड कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में कर रहे हैं, तो अपनी बातों का वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं। पिच वॉल्यूम बहुत मायने रखता है कम्युनिकेशन में, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, आपकी वॉइस से पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अपनी बातों को एक तरीके से रखने की से में अवॉइड करिए। अपनी बातों में पिच टोन का बराबर ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखिए। बॉडी लैंग्वेज में वॉइस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो कोशिश करिए कि अपनी बातों में हमेशा वॉइस, पिच और टोन का खास ध्यान रखिए। नंबर 4, फेशियल एक्सप्रेशन। आपने सुना होगा, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। व्हाट यू थिंक इनसाइड, इट रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस। बहुत लोग कहते हैं ना कि आपके चेहरे से आपके अंदर क्या चल रहा होता है पता चल जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन में आप ध्यान रखिए कि अपनी बातों को आप फेस के थ्रू कैसे बयां कर लेते हैं। आप जब आप बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन उसमें सपोर्ट कर रहे हों। आप अपने लिप से, होठों से, बात से, गाल के मांसपेशियों से, आँखों से, फोरहेड से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे देते हैं जो आपकी बातों में बहुत सपोर्ट करता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाना है। आप इन टिप्स को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को पावरफुल बना सकते हैं और हमेशा आप लोगों में चहेते बने रह सकते हैं। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।